हेलो, मैं हूँ एक स्क्विड गेम एम्प्लॉय। भाई उसे मत मारना। क्यों? क्योंकि उसे मैं मारूंगा। रिश्तेदार है मेरा, ये मेरे घर पे आके बहुत आग लगाता था कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, तुम्हारा क्या कर रहा है? झूठे, अमेरिका जा रहा है, रुक। हरीश बेटा, तुम हरीश बेटा हो ना? अरे नहीं। अच्छा, नहीं हूँ मैं। मेरी मम्मी से भाभी। अरे नहीं, उसको कोई पकड़ो, सारे लोग उसको मारो। साला मम्मी को फोन कर रहा है यार वो। 9739 9739 भाभी जी का नंबर। क्या चीज है वे तू? अभी तुम हमको जानते ही का हो, हमें इंडियन रिलेटिव। स्मिता भाभी जी, आपका बच्चा स्क्विड गेम में है। स्क्विड गेम में है। स्क्विड गेम में है। स्क्विड गेम में है। अरे ये तो हमारे रिश्तेदार मनोज भाई की आवाज थी। अरे वही जिनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। हमारा बच्चा पता नहीं कब जाएगा। खैर जब जाएगा तब जाएगा, जाने वाले का कोई समय थोड़ा ना होता है। जिसको जाना है वो तो चले ही जाएगा, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। आवेंगी जैसे हमारे ताऊ रात में सोए और सुबह चले गए। ओ तेरी, अमेरिका बिना वीजा के। हम स्क्विड गेम में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके जीने के वजूद ने भी वजूद छोड़ दिया। सरल भाषा में कॉर्पोरेट वाले। दोस्त, मुझे अपना कॉस्ट्यूम नहीं आ रहा, जरा मेरा कॉस्ट्यूम देखो और बाकी सबका देखो। एंडी, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे बात कर रहे थे। एंडी, मेरा इंटरव्यू चल रहा है। हाँ पता है यार, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद तो लोगों के भाव ही बढ़ जाते हैं। एंडी, बस तेरा कॉस्ट्यूम टाइट है, इतना एटीट्यूड मत दिखा। बड़े साहब ने स्क्विड गेम इसलिए चालू किया था क्योंकि बुढ़ाओं को बुढ़ापे में भी शांति नहीं मिल रही थी, बीवी भाग गई थी, तो अब ये स्क्विड गेम में एक सीक्रेट प्लेयर बन के खेलते हैं। पता नहीं बुढ़ाओं को क्या मस्ती चढ़ी है इतनी। हम लोग स्क्विड गेम में लोगों को एक स्लैब गेम खेल के लेके आते हैं। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता ये गेम क्या है, हमें तो बस लोगों को चाटे मारने में मजा आता है। अगर ये ऐसी गिरी तो पैसा, ऐसी गिरी तो चाट। गिरने से पहले ही मारा मुझे। ना मुन्ना ना, पैसा चाहिए है ना, ये लो। पैसा? ये कॉर्पोरेट वाले बिना, अरे चप्पल भी नीचे गिर गई। मुझे मारा। पैसा मुन्ना पैसा दो। और खेलना है तो स्क्विड गेम आ जाना। जब से पूरी दुनिया ने नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम देखा है, काफी सारे कॉपीकैट, रिपऑफ्स और स्कैमर आ गए हैं। है? नमस्कार, मैं राहुल भाटसा हेडक्वार्टर से बात कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी स्क्विड गेम में लॉटरी खुली है, 25,000 की लॉटरी खुली है। जी हाँ, हम आपको फिर से बता दें, 25,000 की लॉटरी खुली है। हम आपको बधाई पेश करते हैं। जी हाँ, बधाई पेश करते हैं। अगर आपको इसके संपर्क में और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करें। जी धन्यवाद। अबे मैं काम करता हूँ। कर दे, बंद कर दे। क्या एडिटिंग करते हैं भाई ये लोग? आजकल इन स्कैमरों के आने की वजह से हम लोग पे कोई यकीन ही नहीं करता है। हेलो नरेश जी, बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। जी हम स्क्विड गेम से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया? ओ नहीं नहीं, आपका नहीं हुआ, आपके घर के बाहर वो जो बैठता है ना उसका हुआ है। अबे यार, ओए मोनू ये ले। हेलो, देखो यार जो भी हो जल्दी बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। देखो हम स्क्विड गेम से बात कर रहे हैं। मुझे पता है भाई तुम लोग स्कैमर हो, और वैसे भी मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि असली स्क्विड गेम वालों ने मुझे मैसेज करके बता दिया है कि मेरी 25,000 की लॉटरी खुली है, और ये मैसेज मुझे 20 बार आया है। तो अगर तुम 25,000 को 20 से गुना करोगे तो मुझे तो नहीं पता कितना होता है, लेकिन लगता है काफी होता है। तो मैं जा रहा हूँ अब आराम करने, बाय। येलो मोनू भैया, ऐसे थोड़ी ना फेंक के दिया था। 25,000 की लॉटरी लगी है मेरी, वो भी 20 बार। हाँ नहीं तो स्क्विड गेम में हम ऐसे बेवकूफ लोगों को लेके आते हैं। जो गेम में हार जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो जीत जाते हैं वो आगे जाके एलिमिनेट हो जाते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे सबसे मुश्किल गेम में। क्या क्या गेम हो सकता है वो? मुझे तो डर लग रहा है। और वो गेम है चिड़िया उड़ तोता उड़। रूल बड़े सिंपल है, जो चीज उड़ती है उंगली को ऊपर लाना है, जो चीज नहीं उड़ती है उंगली को वहीं रखना है। इस गेम में तो मैं बचपन से चैंपियन हूँ, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। अच्छा देखते हैं। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बदक उड़, गाय बकरी नहीं, शेर नहीं, नक्को शेर नहीं उड़ता, शेर ब्रो शेर नहीं उड़ता ब्रो शेर।
के हाइब्रिड शेर उड़ते हैं। क्या? अगला बंदा आ जाओ। नहीं, मुझे आराम से खेलना है। टेंशन नहीं। कौवा उड़। नहीं, प्लीज नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम पूरा स्क्विड गेम चलाते हैं। खैर, हमें यहाँ ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए हम नुक्कड़ नाटक में भी काम कर लेते हैं। मैं हूँ पावर रेंजर्स एसटीडी एसपीडी। तो गाइस, अरे इस समय कौन कॉल कर रहा है? अच्छा, मेरी सिलेक्शन हो गई है। गाइस, स्क्विड गेम का एक नया गेम शो आया है, स्क्विड गेम द चैलेंज, जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है। आप देखना मत भूलना, इट इज नाउ स्ट्रीमिंग। क्या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए?